नमस्कार दोस्तों पहली बार सुपर स्टार शाहरुख खान और सुपर डायरेक्टर राज कुमार हिरानी के कॉम्बिनेशन में एक बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है जिसका टाइटल रखा गया है डंकी और जब से राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ने इस फिल्म को पब्लिक में अनाउंस किया है हर कोई इस फिल्म की कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है क्यूँकी फिल्म का टाइटल ही अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग है डंकी शब्द का आम भाषा में मतलब होता है गधा तो क्या इस फिल्म की कहानी गधों पर आधारित होने वाली है इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए आज हम डंकी शब्द का पूरा मतलब और इस फिल्म की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों राजकुमार हिरानी बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टरों में से एक है और उनके फिल्म का इंतजार हर किसी को बहुत ही बेसब्री से होता है उनके सारे फिल्म जैसे की थ्री इडियट्स संजू मुन्ना भाई एम बी बी एस पी के ये सब सुपरहिट ही नहीं बल्कि ब्लॉक बास्टर साबित हुई है और ये सारे फिल्मों ने लोगों के मन में एक अपना अलग ही पहचान बनाया हुआ है राजकुमार हिरानी हर बार अलग ही कंसेप्ट काम करते हैं और अलग टाइप का फिल्म बनाते हैं जिसमे फुल ऑफ इंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मैसेज भी देखने को मिलती है वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या और दोस्तों डंकी फिल्म भी एक अलग ही कंसेप्ट आधारित है जो कि आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी मैसेज भी देने वाली है इस फिल्म में शाहरुख खान एक पंजाबी लड़के का किरदार निभाने वाले हैं जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश करता है ताकि वहाँ जाकर वो बहुत सारा पैसा कमा पाए और इसी प्रोसेस को डंकी प्रोसेस कहा जाता है जिसमे बहुत सारे तकलीफों और मुश्किलों का सामना करते हुए जंगलों और नदियों का रास्ता पार करके यूएस मेक्सिको के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए लोग इलीगल तरीके से यूएस में इंटर करने की कोशिश करता है इस चीज को ओरिजिनली डंकी नहीं बल्कि डोंकी बोला जाता है जिसका मतलब होता है गधा लेकिन पंजाब के लोग खास करके डोंकी को डंकी शब्द से उच्चारण करते हैं और इसीलिए इस फिल्म का टाइटल ही रखा गया है डंकी क्यूँकी शाहरुख खान जिस लड़के का यहाँ पर किरदार निभाने वाले है वो एक पंजाबी होता है जहाँ पर डोंकी को डंकी बोला जाता है शाहरुख खान ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि डंकी फिल्म की कहानी ऐसे लोगों की है जो कि अपने घर वापस आना चाहते हैं और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फिल्म डंकी प्रोसेस को ही दिखाने वाली है इसका मतलब इस फिल्म की कहानी समझने के लिए हमें डंकी प्रोसेस को पूरी तरह से समझना पड़ेगा की कैसे इंडिया के लोग खास करके पंजाब से ज्यादा नौजवान इलीगल प्रोसेस यानी की डंकी प्रोसेस का यूज करके बहुत सारे तकलीफों का सामना करते हुए यूएसए में इंटर करता है और बहुत सारे तकलीफों को सामना करते हुए फाइनली यूएसए में पहुंचने के बावजूद भी उसको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है ये फिल्म खास करके इसी पर आधारित होने वाली है इस चीज पर पहले से ही एक बहुत ही अच्छी पंजाबी फिल्म भी बन चुकी है जिसका टाइटल है आजा मेक्सिको चलिए जो कि पंजाबी लैंग्वेज में बहुत ही बड़ी हिट हुई थी डोंकी प्रोसेस का यूज करके इलीगल तरीके से यूएसए में इंटर करने में इंडिया फिफ्थ पोजीशन में आता है जिसमें से भी मैक्सिमम लोग पंजाब से डोंकी प्रोसेस का यूज करके यूएसए में इलीगल तरीके से इंटर करने की कोशिश करते हैं दो तो और बाइस के रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको और यूएस बॉर्डर पर कस्टम पुलिस और बॉर्डर पेट्रोल पुलिस के द्वारा करीब 2,290 इंडियंस पकड़े गए थे जिसमें से ज्यादातर लोग पंजाब से पाए गए थे पंजाब में अगर आप जाते हो तो आप जगह जगह पर बहुत सारे बोर्डों पर लिखा हुआ पाते हो कि पचीस हजार में तीस हजार में आप यूएसए में जा सकते हो लेकिन वे लोग एक्चुअली में पच्चीस से तीस हजार इसी डों प्रोसेस के बारे में कह रहे होते हैं देखने के लिए आपको तो पच्चीस से तीस हजार लगता है लेकिन जब आप एक्चुअली में डों प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो तब आपको धीरे धीरे वे सारे एजेंट पच्चीस लाख से लेकर पचास लाख तक आपसे ले लेते हैं और दोस्तों अगर इसी चीज को देखा जाए तो डोंकी प्रोसेस का नाम डोंकी बिल्कुल सही रखा गया है क्योंकि एक तो आप इलीगल तरीके से यूएसए में इंटर करने की कोशिश करते हो और इसके साथ साथ आपको इसके लिए 25 से लेकर 50 लाख रुपए भी पे करना पड़ता है लेकिन अगर आप यही पैसे लीगल तरीके से भी यूज करते हो तो आप डॉक्यूमेंटेड तरीके से भी यूएसए में जा सकते हो लेकिन बहुत सारे इंडियन नौजवान इन्ही डोंकी प्रोसेस वाले एजेंटो के चक्कर में पढ़ एक्चुअली में गधा बन जाते हैं जब आप डोंकी प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो तब आपको इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके यूएसए में इंटर करवाने के लिए ये एजेंट आपको सबसे पहले यूएसए के बॉर्डर वाले देशों में आपको डिपोर्ट करते हैं जैसे कि ब्राजील मेक्सिको एक्सेट्रा और फिर वहाँ से आपको पैदल ही पनामा जंगल और बहुत सारे नदियों को और बहुत सारे तकलीफों को झेलने के बाद में आप फाइनली मैक्सिको के बॉर्डर में क्रॉस करते हो और मैक्सिको के बॉर्डर में क्रॉस करने के बाद में वहाँ से फिर आप मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर को क्रॉस करके अनडॉक्यूमेंटेड और इन तरीके से आप यूएसए में इंटर करते हो लेकिन दोस्तों ये सफर बहुत सारे लोगों के लिए जिंदगी और मौत से खेलने वाली सफर भी साबित होती है क्योंकि पनामा जंगल और मेक्सिको के बॉर्डर वाले इलाके को दुनिया का टॉप डेडलियस्ट इलाकों के लिस्ट में शामिल किया गया है और इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हीं पनामा के जंगलों में जंगल को और नदी नालों को पार करते हुए और इसके साथ साथ मैक्सिको बॉर्डर के डेडलियस्ट मरुभूमि वाले इलाके को पार करते हुए मारे जाते हैं लेकिन दोस्तों चुनौती यहीं पर खत्म नहीं होती है अगर आप इन सारे तकलीफों का सामना करते हुए यूएसए में इंटर कर भी लेते हो फिर भी आपको बहुत सारे तकलीफों से गुजरना पड़ता है जैसे वहां पर आपको टाइम पर एसाइलम नहीं मिलता है इसके साथ साथ आप इतने आसानी से वहां पर काम नहीं कर पाते हो और आपको कई बार सड़कों पर भी सोना पड़ता है और इतना ही नहीं बहुत सारे लोग या तो मैक्सिको बॉर्डर पर ही पकड़े जाते हैं या फिर यूएसए बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पकड़े जाते हैं जिसके बाद बहुत सारे लोगों को वापस इंडिया में डिपोर्ट भी किया जाता है और ऐसे में वे जितने भी इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं वे सारे बर्बाद भी हो जाते हैं और इतने सारे तकलीफों को झेलने के बावजूद भी वे लोग यूएसए में इंटर भी नहीं कर पाते हैं तो इन सब के बारे में जानने के बाद में एक चीज तो गारंटी है कि इस फिल्म का टाइटल और इस प्रोसेस का टाइटल डों की बिल्कुल सही रखा गया है क्योंकि जो भी लोग डोंकी प्रोसेस का यूज करते हैं वो एक्चुअली में गधा ही होते हैं तो बस ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की अपकमिंग मूवी डंकी फिल्म की कहानी को समझने के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार